दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में तो इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आइए बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या होता है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ़ एनर्जी क्या होता है क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी लॉ पे बेस्ड है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ़ एनर्जी के अनुसार एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनर्जी को सिर्फ़ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं यानी कि यूनिवर्स की जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट है न तो इसे बढ़ाया जा सकता है न तो इसे घटाया जा सकता है और जो एनर्जी है वो हमें यूनिवर्स में अलग अलग रूप में देखने को मिलती है जैसे मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी तो हम अलग अलग रूप में एनर्जी को देख सकते हैं यूनिवर्स में तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड यानी कि एनर्जी को हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं लेकिन इसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज अ कांस्टेंट तो जो यूनिवर्स की जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट है यह बढ़ न तो बढ़ सकती है न तो घट सकती है एनर्जी एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल एनर्जी हीट लाइट केमिकल एनर्जी एक्सेट्रा तो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो इसको हम पहले एक डायग्राम की मदद से समझते हैं तो पहले हम एक थर्मोडाइनमिक्स सिस्टम कंसिडर करते हैं तो ये मान लीजिए एक सिस्टम है इसमें कुछ गैस है और ये एक पिस्टन है तो अगर हम इसको इस सिस्टम को अगर क्यू अमाउंट हीट दें तो क्या क्या होगा इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्पीड बढ़ जाएगी इनका टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ था अभी मूव करके यहाँ हो गया तो जब पिस्टन मूव करेगा ऊपर की तरफ तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है तो ये ये वर्क और कर रहा है ये थर्मोडाइनमिक सिस्टम तो मान लीजिए यहाँ पे W वर्क हुआ और जो हमने हीट दी ये हीट यहाँ पे हमने जो दी ये Q अमाउंट हमने हीट दी तो जो हम हीट देंगे तो ये उसका कुछ पार्ट ये सिस्टम एब्जॉर्व कर लेगा और बाकी को वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा तो जो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा हीट को तो उससे क्या होगा कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस आएंगे, यानी कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो अगर हमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो हम सिस्टम को दे रहे हैं वो अगर निकालना हो पता करना हो कि हमने सिस्टम में कितना हीट दिया जो क्यू है तो हम कैसे निकालेंगे डेली यू यानी कि जो सिस्टम एब्जॉर्ब किया है और प्लस डन यानी जो हीट वर्क डन में कन्वर्ट हुई यानी डब्लू तो इक्वेशन क्या बनेगी क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्लू और इसी तरह अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम ऐड कर रहे हैं क्यू माइनस डब्लू कर देंगे तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या होगी स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज़ इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम डेल्यू इज़ इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी जो हमने टोटल अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दिया था प्रोवाइड किया था और माइनस वर्क डन जो सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया और व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम अगर ये जो वर्क है अगर ये हम सिस्टम पर ही कर रहे हैं तो ये जो W है वर्क डन है हमारा ये पॉजिटिव होगा तो क्या यहाँ पे डेल यू क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और क्यों हीट एडेड टू द सिस्टम यानी थर्मोडाइनमिक सिस्टम को जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं और W क्या है वर्क डन सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन किया गया तो अब हम समझते हैं कि हम हीट को पॉजिटिव कब लेंगे और कब निगेटिव लेंगे और वर्क को हम कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे यानी कि साइन कन्वेंशन को समझते हैं तो हम हीट को पॉजिटिव तब लेंगे जब हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम यानी सिस्टम को हीट हम दे रहे हैं तो हम हीट को पॉजिटिव लेंगे और निगेटिव कब लेंगे जब हीट लॉस्ट हो रही है यानी सिस्टम से हीट लॉस्ट हो रही है तब हम उसे निगेटिव लेंगे और इसी तरह वर्क को हम पॉजिटिव कब लेंगे जब वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम यानी कि वर्क जब सिस्टम पर हम कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे और जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम यानी कि सिस्टम के द्वारा जब वर्क किया जा रहा है यानी जैसे अभी पिस्टन जब मूव किया तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया तो वहाँ पे हमने नेगेटिव लिया था तो ये होगा डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू जब यहाँ पे मतलब वर्क हम सिस्टम पे कर रहे हैं तो आई होप अब आप लोग थर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को अच्छे से समझ गए होंगे अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे थैंक यू